नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। आज की इस कड़ी में बात उस मुख्यमंत्री की जिसे राजगढ़ ब्यावर बेल्ट में आज भी राजा साहब बुलाया जाता है, जो बैतूल गोलीकांड के बाद भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीत गया और जो एक बार चुनाव हारा तो पार्टी पिछले 15 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है। नाम तो समझ गए होंगे आप जी, बात दिग्विजय सिंह की। विश्व में इसकी शोहरत इस बात की है, इससे झूठा प्राइम मिनिस्टर किसी देश का नहीं। मध्य प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ होता था और इस गढ़ पर भाजपा का भगवा पूतने से पहले आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के राघोगढ़ राज परिवार से आते हैं। 28 फरवरी 1947 को जन्म हुआ। बचपन में खूब हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेला। बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पिता बलभद्र सिंह, जो कि 1952 में राघोगढ़ से विधायकी जीते, पर्चा निर्दलीय भरा था लेकिन उन्हें हिंदू महासभा का समर्थन मिला हुआ था। दिग्विजय ने भी पिता की तरह नेतागिरी की। 22 की उम्र में राघोगढ़ से निर्दलीय नगरपालिका का चुनाव जीत लिया। किसी को हैरानी नहीं हुई, दिग्विजय राजगढ़ ब्यावर बेल्ट में आज भी राजा साहब बुलाए जाते हैं। कोई और भी था जो दिग्विजय को अपनी शरण में लेना चाहता था। कभी कांग्रेस की सांसद रही और अब जनसंघ की नेता राजमाता विजया राजे सिंधिया, जिनके पति को दिग्विजय के पिता अन्नदाता कहा करते थे, क्योंकि राघोगढ़ रियासत ग्वालियर राज्य के अधीन आती थी। 1993 से 2003 तक लगातार 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं राजा दिग्विजय सिंह। इन 10 सालों में न जाने कितने उतार चढ़ाव आए और न जाने कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हुई, पर दिग्विजय सिंह के चेहरे की मुस्कान और उनके ठहाके बरकरार ही रहे। सबसे बुरा समय तो तब आया था जब दिग्विजय सिंह के सियासी गुरु अर्जुन सिंह ने तिवारी कांग्रेस का गठन कर लिया था। उस वक्त दिग्विजय सिंह के एक एक कदम को उनके विरोधी हर दृष्टिकोण से नाप तोल कर उनमें कमियां निकालने का प्रयास कर रहे थे। उस वक्त दिग्विजय सिंह ने तलवार की धार पर चलकर अपनी नैया को पार लगाया। दिग्विजय सिंह वैसे भी अपनी चालों के लिए माहिर माने जाते हैं। जब वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तब ये कहा जाता था कि राजा ने जिसके कंधे पर हाथ रख दिया उसका पतन सुनिश्चित है। 2003 में कांग्रेस की सरकार ना बनने पर 10 साल का सियासी वनवास लेने की कसम उठाई। जयपुर के चिंतन शिविर में भी दिग्विजय सिंह लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। राजा के इर्द गिर्द युवा मंत्रियों सहित नेताओं की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि लोग उनसे सलाह मशवरे के लिए किस कदर आतुर थे। राजा की इस कदर बढ़ती लोकप्रियता से उनके धुर विरोधी समझे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके साथ ही जतिन प्रसाद, सचिन पायलट जैसे युवा आइकन्स की पेशानी पर पसीने की बूंदें भी परिलक्षित हो रही थी। एक समय था जब 10 जनपद पर विसेंट जॉर्ज की तूती बोला करती थी। जॉर्ज के इशारे के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था। सोनिया गांधी के शुरुआती राजनीतिक अनुभवहीनता के चलते जॉर्ज काफी कमजोर हो गए और उनका स्थान सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने ले लिया। इसी बीच युवराज तेजी से आगे कदम बढ़ाने लगे। कहते हैं कि राजा ने भविष्य की आहट को समझते हुए राहुल गांधी को अपनी उंगली पकड़ा दी और राहुल को सियासी कहकरा सिखाने शुरू कर दिया। सोनिया तक गुरु चेले की जुगलबंदी की खबरें पहुंची तो सोनिया गांधी हद तक संतुष्ट भी नजर आईं। राहुल भले ही बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में करिश्मा ना दिखा पाए हों, पर उन्हें बहुत सीमित रखकर राहुल के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने अपनी अंतिम चाल को चला और जयपुर के चिंतन शिविर में राहुल गांधी की ताजपोशी करवाही दी। राजनीति के क्षेत्र में दिग्गी राजा के नाम से विख्यात दिग्विजय सिंह एक तेज तर्रार नेता हैं। उन्हें रूक्ष स्वभाव की वजह से भी ज्यादा जाना जाता है। दिग्विजय सिंह के विरोधी उन्हें एक लापरवाह और मुंहफट नेता मानते हैं। दिग्विजय सिंह के विषय में ये भी मशहूर है कि वो बिना सोचे समझे किसी पर भी कोई भी आरोप मढ़ देते हैं। 2001 में दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन पर पैसों के गैरकानूनी लेनदेन को लेकर कई आरोप लगे। भोपाल में शराब उत्पादन की फैक्ट्रियों पर जब आयकर विभाग का छापा पड़ा तो उनके खाते में कई बड़े सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की बात सामने आई। उन्हीं बड़े नामों में एक नाम दिग्विजय सिंह का भी था। उन पर 100 मिलियन रुपयों की रिश्वत लेने का आरोप लगा, जिसे दिग्विजय सिंह ने विपक्षी दलों द्वारा लगाया गया बेबुनियाद आरोप बताया। 2004 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त द्वारा इंदौर भूमि घोटाले में दिग्विजय के संलिप्त होने के सबूत मिलने के बाद 4 साथियों समेत दिग्विजय के खिलाफ केस दायर किया गया।
साल 2009 में उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। फरवरी 2009 में मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्विजय सिंह समेत 10 अन्य लोगों पर इंदौर आइलैंड मॉल के निर्माण में पैसों के लेन देन और धोखाधड़ी जैसे आरोप भी दिग्विजय सिंह को 2-4 इनसे होना पड़ा। साल 2011 में मध्य प्रदेश अदालत की इंदौर बेंच ने दिग्विजय सिंह पर पैसों की अनियमितता को लेकर भी आरोप लगाए। चुनाव हारने के बाद दिग्विजय 10 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहे, केंद्र में संगठन का काम देखते रहे, राहुल गांधी से नजदीकी बनाए रखी, फिलहाल संगठन का ही काम देख रहे हैं। जनता ने फैसला सुनाया, कांग्रेस को अब तक की सबसे बुरी हार मिली, 230 में 38 सीटें। इस नतीजे को 15 साल बीत चुके हैं। दिग्विजय केंद्र में संगठन की राजनीति कर रहे हैं, कभी राहुल के करीबी पार्टी महासचिव थे, आजकल कुछ हाशिए पर चल रहे हैं, कुछ पूरी तरह नहीं, क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो चाहे कमलनाथ, सब जानते हैं जनता के लिए दिग्गी भले ही एक बुरी यादें हों, मगर हर जिले में कार्यकर्ता उन्हीं के पास हैं और दिग्विजय भी जानते हैं पार्टी पिछले 15 साल में उनके बयानों के चलते पर्याप्त बैड प्रेस हासिल कर चुकी है, इसलिए चुप हैं और अपने दांव चल रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।